दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि कोई एग्रीमेंट कराने आप जा रहे हैं, किसी जमीन का या किसी प्लॉट का या किसी प्रॉपर्टी का आपने सौदा किया हुआ है, तो उस एग्रीमेंट में प्रॉपर स्टैम्प पेपर कितने रुपए के लगने चाहिए, क्या विधि है, और क्या उस एग्रीमेंट को लिखने के बाद उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन कितनी समय सीमा लिखनी चाहिए, कितने दिनों तक के लिए वो एग्रीमेंट वैलिड होता है, माने कितने दिनों तक वो एग्रीमेंट मान्य रहेगा, और उसमें कितने रुपए के स्टाम्प पेपर लगा करके आप उसको किस तरह से रजिस्टर्ड कराएं कि वो इन्फोर्स रहे, और अगर ऐसा व्यक्ति जिसने वो एग्रीमेंट किया है और बयाना स्वरूप आपने उसको कोई धन दिया है, तो उस व्यक्ति को लीगली माने विधिक रूप से कैसे आप बाध्य करें कि वो आपको ही बैनामा कर दे, क्योंकि भविष्य में अगर वो आपको बैनामा करने से मना कर देता है तो आप कोर्ट के द्वारा या अन्य किसी विधि से उससे उस लैंड का, उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का बैनामा करवा सकें। तो आज का दोस्तों वीडियो ये विशेष रूप से इसी विधि पर है कि कितने अमाउंट पर, कितने रुपए के एग्रीमेंट या लेन देन पर आपका स्टैम्प पेपर लगता है। स्टाम्प पेपर क्या सारी जमीन या सारी प्रॉपर्टी जितने की आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उस पर लगता है, या केवल जो बयाना स्वरूप रुपया दिया जा रहा है उस पर लगता है? दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप स्वयं कैलकुलेट कर सकेंगे कि जो भी अमाउंट है उस किस पर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और दोस्तों एक और बात है कि अधिकांश लोग घर पर ही 100 रुपये या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, या एक निश्चित कोई भी अमाउंट ले लिया 1000-2000 के स्टैम्प पेपर पर लिख लेते हैं, दोनों पक्ष हस्ताक्षर कर देते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो वो लीगली ठीक नहीं होता है। उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों आज मैं कुछ बिंदु बताऊंगा जो बिंदु बहुत आवश्यक हैं, जिनके न होने पर विधिक रूप से उसमें त्रुटि ही मानी जाती है। तो दोस्तों अगर कोई आप जमीन का सौदा कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप मेरे अनुसार सबसे पहले जो भी आपकी बातचीत हुई है, जितने रुपए में सौदा हुआ है, उस अमाउंट के बयाना स्वरूप जो भी आप पैसा देंगे उसका एग्रीमेंट करिए। जैसे मान लेते हैं आप 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट है, उतने अमाउंट की आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें आप 50,000 रुपये केवल बयाना स्वरूप दे रहे हैं, तो दोस्तों बयाना जो भी पैसा आप देंगे, माने एडवांस जो भी आप पैसा दे रहे हैं प्रॉमिस के लिए, उससे वादा हो गया है, आपकी पूरी बात हो गई है कि ये इतने दिन बाद इस जमीन का बैनामा होगा, तो जो अमाउंट आप दे रहे हैं उसका 2%, जैसे आप 50,000 रुपये दे रहे हैं बयाना, तो 50,000 का 2% माने 1,000 रुपए के स्टैम्प पेपर लगेंगे, और उस 1,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर पूरा एग्रीमेंट लिखा जाएगा। एग्रीमेंट लगभग विक्रय पत्र या बैनामे के ही स्वरूप का होगा, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि ये कृषि भूमि या ये प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड, हम दोनों लोगों के मध्य में इसकी विक्रय की वार्ता हो गई है, और इस विक्रय वार्ता के अनुसार बयाना स्वरूप मैं इतने रुपए इनको दे रहा हूं, अब इतना रुपया देना शेष बचा हुआ है, और इतने समय बाद, उसकी अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष होती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो समय ना भी खोलें, तो समय नहीं भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि समय ही उसमें पड़े, और एक निश्चित टाइम के बाद आप रजिस्ट्री करा लें, लेकिन समय की अधिकतम सीमा है 3 वर्ष, उससे नीचे आप कर सकते हैं, आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई भी एक टाइम लेकर के उसको लिखवा सकते हैं। और दोस्तों प्रयास करें कि आप जो उनको धन दे रहे हैं अपोजिट पार्टी को, माने जिस तरफ से आप बिक्री हो रही है, उनको वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या चेक दें, या डिमांड ड्राफ्ट दें, या उनके खाते में गूगल पे से या फोन पे से या किसी अन्य तरीके से भुगतान करें। अगर आप नगद भी दे रहे हैं तो नगद भी दे सकते हैं, लेकिन नगद रुपए 20,000 रुपए से ज्यादा कभी ना दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में रोका गया है, 20,000 रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स एक्ट भी मना करता है कि उसका कोई ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा।
तो दोस्तों आप इस तरीके से इतना ये पैसा दे करके उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। जब ये सब पूरा लिख जाएगा तो वहाँ जो भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय होगा उस सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के उसको आप प्रोड्यूस करिए और आपका उसी 1,000 रुपये की जो स्टैम्प पेपर है उसी पर रसीद कटेगी। तो रसीद कटवाने के बाद आपका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उसको आप विधिक रूप से इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर आपका कोई एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है तो वो उतना वैल्यूफुल नहीं है, उसको कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। दोस्तों संविदा की जो परिभाषा है, संविदा वही है जब दो लोग कोई प्रॉमिस करते हैं और वो प्रॉमिस उसमें 5 शर्तें होती हैं, जिसमें एक शर्त ये है कि अगर कोई जमीन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई अचल संपत्ति का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि उसका रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो विधि द्वारा इनफोर्स माने उसको आगे नहीं बढ़ा, जबरन उसको पूरा नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों उसको रजिस्टर्ड अवश्य करवा लें और रजिस्टर्ड कराने के बाद उसको अपने पास रख लें। अगर एक पार्टी के पास नहीं भी है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और जब आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा तो आप किसी भी समय उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर दूसरी पार्टी को विधि द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं। कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट का वाद ला सकते हैं और उनको बैनामा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई मामले हैं जो आदमी पैसा भी ले लेता है और बाद में रजिस्ट्री करने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपने पेमेंट किया है, रजिस्टर्ड है, उसमें 2 गवाह हैं, और गवाह दोस्तों आप ऐसे रखें जो आपसे ही रिलेटेड हों, माने आप उनको अच्छी तरीके से जानते हों, कहीं वो बदल ना जाएं, कहीं वो बाद में ये ना कह दें कि नहीं नहीं साहब हमारे सामने हस्ताक्षर नहीं हुए थे, ये गलत है, या इन्होंने किसी तरीके से कूट रचना कर ली है। तो दोस्तों अगर आपका ये रियल में एक एग्रीमेंट होता है और रजिस्टर्ड होता है तो दूसरी पार्टी जो है जो आपको जमीन बेच रही थी वो विधि द्वारा बाध्य है आपको वो बाद में बैनामा करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।